जय हिंद बच्चों और बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों अभी हम लोग क्लास एलेवेन का ये अगला वीडियो करेंगे चैप्टर टू यूनिट एंड डायमेंशन का और इस वीडियो में बच्चों मैं तुम लोग को आ, दो तीन चीज़ बताऊंगा फर्स्ट स्क्रू गेज बताऊंगा उसके बाद मैं पैरलेक्स मेथड बताऊंगा ना पैरेलेक्स मेथड से पहले एक ओइलिक मेथड बताऊँगा ओयलिक कैसे हम लोग फॉलो ये मारते हैं बहुत स्मॉल मोलिकूल का कैसे हम लोग डायमीटर माप सकते हैं ठीक है तो वो बताऊंगा उसके बाद परलेक्स मेथड बताऊंगा तीन मेथड बताऊंगा मैं इस पर मेजरमेंट का ठीक है तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किसका स्क्रू गेज का तो आ जाओ जैसा कि आप लोग जानते हैं नेम इज अमजद अली आपका मोटिवेटर आपका टीचर आपका पथ प्रदर्शक मैं स्वागत करता हूं आपको अपने खूबसूरत से चैनल जोड़ना क्लासेस में ठीक है और चलते हैं बच्चों देर नहीं करते सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या स्क्रीव गेज पढ़ते हैं स्क्रीव गेज इसका नाम ठीक है अच्छा पहले बच्चों इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए हैं इससे पढ़ लिया हम लोग पहले, पहले कलिपर पढ़ लिए वर्नियर क्लीपर पढ़ लिए याद होगा आप लोग को और हम लोगों ने वर्नियर क्लीपर क्यों लाया था तो हम लोगों ने इसलिए लाया था कि ये अपना मान लीजिए स्केल है सिंपल स्केल है मीटर स्केल है ये आगे भी जा रहा है ठीक है तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ज़ीरो शुरू हो रहा है ये है ज़ीरो टू तो थ्री फोर फाइव वन टू तो थ्री फोर फाइव ये हमारा हो गया वन ठीक है ये हो गया जीरो हो गया वन इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा ठीक है तो ये हमारा कितना डिस्टेंस रहता है ये वन सेंटीमीटर रहता था किस में मीटर स्केल में ठीक है बच्चों ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है मीटर स्केल से ही शुरू होता है कि ये हमारा मीटर स्केल में जो वन यहां पे

लेकिन अगर यहाँ से ये चला गया यहाँ इसके बीच में आ गया तो ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव होगा थ्री फोर होगा ऐसा होगा या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से शुरू हो रहा है और वो आ रहा है यहाँ तक यहाँ तक अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो ये होगा वन पॉइंट वन सेंटीमीटर होगा ठीक है अगर लेकिन अगर इसी की लंबाई थोड़ी यहाँ पर आती है यहाँ पर आती है हमारा इसके बीच में और इस दोनों पॉइंट्स के बीच में आता है तो वन पॉइंट तो इसको क्या बोलेंगे ये हो जाएगा वन पॉइंट वन फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा लेकिन ये फाइव होगा कि फोर होगा कि थ्री होगा ये वाला हमारा डाउटफुल डिजिट होता है इसके बारे में पता नहीं है फोर भी हो सकता है पहले भी हो सकता है थोड़ा बाद में हो सकता है क्योंकि बीच में कोई यहाँ पे बीच में कोई रीडिंग नहीं है ये मीटर स्केल में प्रॉब्लम होता है कि पॉइंट के एक स्केल तक माप सकता था एक डिजिट तक माप सकता है इसका लिस्ट काउंट आता है बच्चों लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम लेंथ दैट आ स्केल और दैट इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैन काउंट इस कॉल लिस्ट काउंट तो लिस्ट काउंट इसका आता है बच्चों वन बाई टेन सेंटीमीटर यानी कि जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर आता है इसका लिस्ट काउंट मीटर स्केल का लिस्ट काउंट आता है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर आता है ठीक है यानी मिनिमम कितना तक माप सकते, है, तो सकते हैं तो जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर तक माप सकते हैं ठीक है अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं तो वन इधर दिख रहा है यानी कि इसका लिस्ट काउंट आता है वन मिली मीटर तक मीटर स्केल जो होगा एक जनरल मीटर स्केल वो मेजर कर सकता है वन मिलीमीटर तक ठीक है बच्चों तो ये मीटर स्केल का था अब इसके पहले हम लोग हम लोग पहला चीज हो गया दूसरा चीज पढ़ लेते हैं वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल इसमें क्या था कि इसके अंदर भी डिजिट होता था तो उसका लिस्ट काउंट हो जाता था लिस्ट काउंट वन बाई टेन मिलीमीटर यानी कि जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर या इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लोग या जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट होता था ठीक है अब एक डिजिट और बढ़ गया जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर वन मिलीमीटर जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर एक डिजिट पॉइंट के बाद और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया लेकिन अगर और हमको छोटा है मापना होगा और छोटा मापना होगा तो ये आएगा अपना स्क्रू गेज आएगा बच्चों स्क्रू गेज ये पॉइंट के ये टू डिजिट तक सेंटीमीटर में पॉइंट के वन डिजिट तक मिलीमीटर माप सकता है ये पॉइंट के थ्री डिजिट तक सेंटीमीटर में या पॉइंट के टू डिजिट तक मिलीमीटर में माप सकता है यानी कि लिस्ट काउंट और छोटा हो गया जितना छोटा लिस्ट काउंट उतना ही एक्यूरेसी अधिक आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अब हम लोगों ने तीसरा पढ़ लिया स्क्रू गेज इसका लिस्ट काउंट इस इन दोनों से कम होता है ये जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर या वन मिलीमीटर mm? ये वर्नियर स्केल जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर mm, ठीक है या जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर इसका होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर या जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर हो जाएगा बच्चों ठीक है तो ये हो गया हमारा स्क्रू गेज देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक ऐसे पकड़न की तरह होता है ऐसे ठीक है और यहाँ पे मेन स्केल ये जो है ना ये मेन स्केल है ये मेन स्केल यहाँ पे लग रहा था ये ज़ीरो वन टू थ्री लगा रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है इसमें लगभग हंड्रेड काउंट होता है सर्कुलर स्केल में ठीक है मान लीजिए हमको इसका डायमीटर मापना है इस मार्कर का हमको डायमीटर मापना है तो इसको यहाँ पर रख देंगे और इसको सर्कुलर स्केल को ऐसे न चाहेंगे ऐसे न चाहेंगे और धीरे 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 क्या हो गया शिफ्ट होते 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 तो क्या हो गया इसको ऐसे होल्ड कर लेगा ऐसे होल्ड कर लेगा तो एक बार जैसे होल्ड कर लिया उसके बाद इसका सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लेंगे पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल तो मैक्सिमम इस पर क्या होता है हंड्रेड होता है पिच का कितना होता है वन मिलीमीटर mm का होता है ठीक है तो ये लगभग में भी जो आता है इसका ये पिच होता है वन मिलीमीटर mm तक होता है और ये लगभग में जो जनरल होता है उस पर कितना होता है ये हंड्रेड सर्कल सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है तो ये हो गया हंड्रेड तो ये होता है जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर या इसी को लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर ठीक है बच्चों तो ये होता है इसका लिस्ट काउंट किसका तो अपना स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है तो उसे एक पास गए कि नहीं वो जीरो पॉइंट पहला वन मिलीमीटर तक सेकेंड वाला जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर तक ये जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर तक नापता था पहला वन मिलीमीटर तक मिनिमम माप सकता था उसके बाद आया जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर तक माप सकता था ये देखिए जीरो पॉइंट जीरो मिलीमीटर तक ये गेज आपको कम से कम मेजर कर सकता है ठीक है बच्चों तो यही तो है स्क्रीव गेज अपना इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आ जाओ बच्चों एक क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन है 2011 ए ट्रिपल ए में पूछा गया ये क्वेश्चन है ठीक है 2011 के ए आई ट्रिपल ई में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन ठीक है बच्चों तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है दिख रहा है ना पूरा ठीक है और स्क्रू गेज गिव्स द द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर वायर किसी भी वायर का डायमीटर को मेजर कर रहे हैं तो क्या क्या रीडिंग दिया है ये दिखाया है इसमें मेन स्केल रीडिंग जीरो मिलीमीटर मेन स्केल का जो रीडिंग है ना वो जीरो जीरो मिलीमीटर पर था यहां पर है सर्कुलर स्केल रीडिंग फिफ्टी टू डिविजन है एंड वन मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल स्केलस्पॉन्डिंग टू द हंड्रेड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ये चीज याद रखी स्केल mm यहीं से लिस्ट काउंट निकलेगा यहीं से यानी कि मेन स्केल का वन मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल का हंड्रेड डिविजन कॉरेस्पॉन्ड करता है तो यहीं से लिस्ट काउंट निकलेगा यानी कि लिस्ट काउंट इक्वल्स टू बच्चों पिच अपॉन एन पिच कितना है वन मिलीमीटर कितना इस कर रहा है ये ये हो गया एन हो गया हंड्रेड तो ये हो गया जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर जो नेचुरल जो आता है जो एक स्क्रू गेज का जो आता है जनरल वही आया ये ठीक है तो कह रहा है डायमीटर ऑफ द वायर ए जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स ये आया है, ए आई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है बाबू ए आई ट्रिपल ई टू थाउजेंड एलेवन में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है अब हम लोग को डायमीटर निकालना है तो हम जानते हैं जो रीडिंग निकालना है वो क्या होता है मेन स्केल रीडिंग पहले से आप लोग पता है वर्नियर कैलिपर में प्लस अब उसमें वर्नियर स्केल रीडिंग था तो इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग इन टू लिस्ट काउंट तो मेन स्केल रीडिंग कितना है बच्चों जीरो जीरो मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग सी आर सर्कुलर स्केल रीडिंग फिफ्टी टू डिविजन तो फिफ्टी टू इन टू लिस्ट काउंट तो जीरो पॉइंट जीरो वन अब आ जाइए देखिए मिलीमीटर mm में है हम लोग को ऑप्शन दिया कितना में सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है पूरा पूरा ऑप्शन है सेंटीमीटर में तो क्या करते हैं पहले निकाल लेते हैं मिलीमीटर mm में तो ये कितना हो गया बच्चों जीरो पॉइंट फाइव टू ठीक है मल्टीप्लाई हुआ तो दो डिजिट के बाद ये मिलीमीटर हुआ लेकिन हमको सेंटीमीटर में जाना है सेंटीमीटर में क्या था मिली तब तो सेंटी तो बाई टेन एक बार और हो गया तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव टू सेंटीमीटर ये हो गया हमारा डायमीटर था तो कौन सा ऑप्शन होगा तो ये होगा ऑप्शन देखिए हड़बड़ी भी नहीं निकलेगा जीरो पॉइंट फाइव टू भी है लेकिन सेंटीमीटर में है लेकिन जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू है ये ये हमारे सेंटीमीटर में आए मिली मीटर में आंसर आ रहा है ये जीरो पॉइंट फाइव टू ये होगा मिलीमीटर में तो ऐसा नहीं कि जीरो पॉइंट फाइव टू आया आप मार दीजिएगा ये ऑप्शन नहीं है तो बी होगा जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो फाइव टू सेंटीमीटर तो ये हो गया आपका स्क्रू गेज के लिए ठीक है बच्चों तो स्क्रू गेज में आई थिंक दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा बस ऐसे निकाल देना है पिच जो देखना है कितना कॉरेस्पॉन्ड कर रहा mm, है यहाँ पे दिया वन मिलीमीटर हंड्रेड डिवीजन के है तो यहाँ से निकाल देना आपको लिस्ट काउंट निकाल देना लगभग में लिस्ट काउंट यहीं आता है जीरो पॉइंट जीरो वन या जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर स्क्रू गेज का और एम एस आर प्लस सी एस आर इंटू लिस्ट काउंट निकाल दीजिएगा ठीक है हिंदी में इसको लिख सकते हैं एक स्क्रू गेज का स्क्रू गेज से जब हम लोग एक तागे का एक धागे का ब्यास मापते हैं तो निम्न निम्न रीडिंग आता है मेन स्केल का रीडिंग जीरो मिलीमीटर गोलीय स्केल का रीडिंग बावन डिविजन है और एक मिलीमीटर मेन स्केल सौ डिवीजन गोलिये स्केल पे मैच करता है मिलता है तो धागे का ब्यास क्या होगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बच्चों आज अब बच्चों एक टॉपिक है छोटा सा साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड ठीक है ऑयलिक एसिड जो है ना एक सोपी नेचर का एक आपको आ, क्या बोलते हैं एक मटेरियल है एक एसिड है जिसमें जो जिसके जो मालिकूल होते हैं वो थोड़ा सा बिग साइज के होते हैं तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करते हैं देखिए पहले एक सेंटीमीटर का वाली एसिड लेते हैं उसको अल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसमें टेक वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड एंड डिजॉल्व एट इन ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल पहला काम करेंगे एक सेंटीमीटर ओलिक एसिड लेंगे ठीक है हिंदी में आप लिख सकते हैं एक सेंटीमीटर ओलिक एसिड को बीस सेंटीमीटर क्यूब हम लोग अल्कोहल में घुलाते हैं डिजोल्व करते हैं पहला स्टेप ये करेंगे एक सेंटीमीटर क्यू ले लेंगे मेजर कर लेंगे और उसको 20 सेंटीमीटर क्यू अल्कोहल में ले जाकर डिजोल्व कर लेंगे ठीक है पहला काम करेंगे और फिर जो ये सोल्यूशन बनेंगे ना इस सोल्यूशन से फिर एक सेंटीमीटर क्यू लेकर ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यू में फिर से डिजॉल्व करेंगे अगेन टेक वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन And dissolve it in ट्वेंटी सेंटीमीटर cube of alcohol. यानी कि ये दो बार हम लोग कहें पहले तो हमारा ये क्या किए एक सेंटीमीटर ये हमारा बीस सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल था इसमें एक सेंटीमीटर का ओहली कैसे डाल दिए ठीक है ठीके? फिर यहाँ से एक सेंटीमीटर क्यूब निकाले बीस सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में फिर ये वाला ये जो हमारा सोल्यूशन बना इससे एक सेंटीमीटर की यहाँ पे ऐड कर दिए ठीक है बच्चों अब हमारा ओयलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन आ गया वन बटा फोर हंड्रेड आ गया ठीक है वन बटा फोर हंड्रेड आ गया यानी कि अब एल्कोहल इसमें कितना हो गया वन बटा फोर हंड्रेड सेंटीमीटर क्यू आ गया नाउ कॉन्सेंट्रेशन ओलिक एसिड इज वन बाई फोर हंड्रेड सेंटीमीटर क्यू ठीक है यानी फोर हंड्रेड सेंटीमीटर क्यू में कितना आता है? एक सेंटीमीटर क्यूब फोर हंड्रेड सेंटीमीटर क्यू में सोल्यूशन में ओलिक एसिड की मात्रा कितना है काउंट क्वालिटी कितना है तो वन से वन सेंटीमीटर क्यू है अब आ जाओ अब क्या करते हैं इस सोल्यूशन को इस सोल्यूशन को फिर से वाटर पे वो एक बूंद डालते हैं वन ड्रॉप डालते हैं उससे क्या बनेगा एक फिल्म बनेगा नाउ टेक एन ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन वाटर सरफेस ऑन वाटर सरफेस सो दैट फिल्म इज फॉर्म ठीक है बच्चों जैसे इसका एन ड्रॉप ले लेते हैं एन ड्रॉप इस सॉल्यूशन के लेते हैं वाले का ये वाले का का सॉल्यूशन और उसको किसी वाटर सर्फेस ऐसे एन ड्रॉप मान लीजिए पांच ड्रॉप पांच ड्रॉप डाल दीजिए दस ड्रॉप दस ड्रॉप डाल दिए ठीक है तो वहां से हम लोग डाल देते हैं उससे क्या बनता है एक वाटर पे जो वाटर सर्फेस है ना मान लीजिए ये वाटर है तो यहां पर क्या बन जाता है एक फिल्म टाइप का ऐसे 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 से बन जाता है अब क्या होगा अल्कोहल क्या होगा अल्कोहल तो कुछ देर के बाद क्या होगा आपको बाहर निकल जाएगा ठीक है अल्कोहल तो आपको यहां से उड़ के बाहर हो जाए तो ये फिल्म बच जाएगा ठीक है अब यहां पे अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड ना वॉल्यूम ऑफ पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ओइलिक एसिड इक्वल टू हो गया एन बी सेंटीमीटर क्यू एक का वी सेंटीमीटर क्यू एन ड्रॉप का एन वी सेंटीमीटर क्यू अब निकाल लेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ ओइलिक एसिड हो गया एन बी बट्टा फोर हंड्रेड ठीक है बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा हमारा हमारा मान लिये पाँच ड्रॉप निकाले थे पाँच का निकाल लेंगे उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे अब देखिए इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं ये कितना सर्कल है ये कितना बड़ा बना था इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं एरिया निकल जाएगा और हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा और हमारा वॉल्यूम निकल गया एरिया एरिया निकल गया हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा तब थिकनेस ऑफ फिल्म निकाल सकते हैं थिकनेस ऑफ फिल्म बराबर वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन एरिया ऑफ फिल्म ये चीज निकाल लेंगे बस वॉल्यूम बट एरिया से निकल जाएगा तो थिकनेस निकल जाएगा तो ऑयलिक एसिड का हमारा थिकनेस इस तरह पता लगा सकते हैं ये फॉर्मूला से ठीक है बच्चों आज हाँ बच्चों पढ़ना पैरलेक्स मेथड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मून का डिस्टेंस पता करना है किसी प्लानेट का डिस्टेंस पता करना है तो पैरलेक्स मेथड का यूज़ करेंगे ठीक है ये आ, थोड़ा सा आप लोग को इस मेथड में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेथड है आप लोग एक एक, एक डिवाइस आता है सिक्स टेंस सिक्स उसको मैं आप लोग को शायद मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप लोग को स्केल स्क्रीन पे दिख रहा होगा इधर आप लोग को दिख रहा होगा ये जो सेक्सटेंट जो डिवाइस है सेक्सटेंस सेक्सटेंट इसका बच्चों यूज करते हैं टू मेजर द एंगल टू मेजर एंगल तो आप लोग को जो अभी दिख रहा है यहां पे ना ये जो डिवाइस दिख रहा है इसका हम लोग यूज करेंगे ये वाला एंगल मेजर करने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेजर करने ठीक है बच्चों देखिए पैरलेक्स मेथड होता क्या सबसे पहले आज समझते हैं पैरलक्स क्या होता है ठीक है समझ जाइए ध्यान से यहाँ से टॉपिक शुरू होता है पैरलेक्स का अपना ये पेन मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अपने आंख के सामने दोनों ये नाक के एकदम सामने रखते हैं अब क्या कीजिए एक बार इस दाइना आंख को बंद कर लीजिए बाएं से देखिए पेन यहाँ पे है आपको दिखेगा यहाँ पे अब इसको खोल दीजिए और इसको बंद कीजिए अब आपको देखेगा कि पेन एकदम शिफ्ट हो गया है ठीक है तो ये पेन शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली पेन शिफ्ट नहीं हो रहा है क्या हो रहा है कि हम लोग अपने ऑब्जर्वर को शिफ्ट कर रहे हैं जिससे पता लग रहा है ये जो है हमारा पेन जो है वो शिफ्ट हो रहा है इसी को तो बोलते हैं पैरेलक्स पैरेलक्स होता है पैरेलक्स से हमको किस तरह डिस्टेंस निकाल सकते समझिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पी है कोई प्लेनेट है या कोई मून है हमारा यहाँ पे है मून है या कोई भी प्लेनेट है इसका डिस्टेंस हम लोग अर्थ से निकालना है ये अर्थ है हमारा ये हो गया एस डिस्टेंस हम लोग को निकालना आर ले लीजिए आर ले लेते हैं ये हमको आर हो गया ये हो गया आर इस आर दूरी यहां से निकाल लिया ए से और बी से ठीक है बच्चों होता क्या है देखिए क्या करते दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे अर्थ पे इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे दो पॉइंट यहाँ पे ए और बी हमने सेलेक्ट कर लिया अर्थ से अर्थ पे कोई एक बहुत दूर इतना दूर एक कोई बहुत दूर हम लोग लेंगे एक प्लेनेट लेंगे जो यहां से भी यहां से लगभग में सेम पता लगता हो मान लीजिए हम लोग ए यहाँ है बी यहाँ है यहाँ पे कोई है तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो दूरी सेम ही होगा कि नहीं होगा तो कोई बहुत दूर ए से कोई एक प्लैनेट है या कोई मैंने ऑब्जेक्ट है प्लानेटरी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ए से भी दूरी सेम है और बी से भी दूरी सेम है ठीक है अब यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं ये आया स्ट्रेट लाइन अब यहाँ से इसी का सक्सटेंट का यूज करते हैं सिक्सटेंट एक डिवाइस है यहाँ से यूज़ करेंगे और यहाँ से सीधा लाइन जाएगा ये लाइन सीधा जाकर कर यहाँ मिलाएगा इस प्लेनेट को और ये वाला एंगल हम लोग फाइव वन माप सकते हैं इसके हेल्प से इस डिवाइस के हेल्प से हम लोग ये फाइव वन मेजर कर लेते हैं सिमिलरली बी पर आते हैं और यहाँ पे एस को एक एकदम स्ट्रेट लाइन मानते हैं ये प्लेनेट से और ये फाइव टू माप लेते हैं सेक्स का यूज़ करके फाइव वन मिल गया फाइव टू मिल गया अब आ जाइए हम लोग जानते हैं कोई भी ऐसे जेड बनेगा तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा तो ये फाइव वन है तो ये भी होता है फाइव वन ये फाइव टू है तो ये भी होता है फाइव टू अब ये वाला एंगल हमको पता लग गया ये एंगल मान लीजिए थीटा तो हमको थीटा आप कितना पता लग गया बच्चों तो ठीठा इसलिए हो गया फाइव वन प्लस फाइव टू पता लग गया ठीक है ये वाला दूरी हमको पता है ये हमारा मान लीजिए ये हमारा आर्क है ये आर्क है स्ट्रेट लाइन में मान सकते हैं क्योंकि दूरी है, इसके कंपेयर में जो है ना बी जो है बहुत छोटा है किसे कंपेयर में आर के कंपेयर में ठीक है आर के कंपेयर में बहुत छोटी आर के कंपेयर में छोटा है तो ये स्ट्रेट लाइन को ये थोड़ा सा कर्व लाइन है तो क्या कर्व को स्ट्रेट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ से फॉर्मूला होता है बच्चों क्या ठीठा इजकल टू होता है एल बाई आर एल क्या है हमारा बी है तो बी बाई आर क्या निकालना है आर निकालना है आर इजकल टू बी बाई थीटा तो ये आर हमारा निकल गया कि नहीं निकल गया ये वाला आर ये थीटा हम लोग मेजर कर लिए यहाँ से और बी हम लोग मेजर कर लिए यहाँ से तो ये पता है ये पता है तो ये आर हमारा पता लग जाता है यही तो है पैरालेक्स मेथड आसान है कि नहीं आसान है ठीक है बच्चों तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर इंड होता है यूनिट एंड डायमेंशन और इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो करने वाले हैं उसमें एन का क्वेश्चन करने वाले हैं सबसे पहले में और उसके बाद ही हम लोग जंप करेंगे एस सी वर्मा वगैरह पे तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ और लेते रहिए एक से एक कंसेप्ट का मजा चलो बच्चों हैव ए नाइस डे